ईश्वर समर्थ ने अभिषेक को लेकर कल जिस तरीके की स्टेटमेंट एपिसोड्स में दी हैं, उसको लेकर क्या वो सही है गलत है, इन सारी चीजों को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब ये तो उड़ारिया के सेट पर मौजूद जो लोग थे वही बता सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। तो अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहां अब अभिषेक ईशा के साथ काम करने वाली उनकी एक को एक्टर ने एक स्टेटमेंट इशू किया है और इन सारी बातों का सच बता दिया है। ईशा ने बताया कि कैसे उसको मारा था, ये सब किया था। समर्थ ने बताया कि कैसे उड़ारिया के सेट से उसे निकाल दिया था। ये सारी चीजें हुई, लोगों को लगा कि भाई अभिषेक कुछ बोले तो फिर वो गलत, ये लोग बोले तो इसको इनको क्यों कुछ नहीं कहा जाता। तो हम आपको बता दें कि अब यहां पर जो है सामने आई है चेतना, जो अभिषेक की ऑन स्क्रीन सिस्टर का किरदार कर चुकी हैं, और चेतना ने एक पोस्ट किया है और लिखती हैं, और कितना झूठ बोलना है, भगवान से डरो, जस्ट बिकॉज सिचुएशन कुछ और थी तब तो तुम दोनों इतना झूठ बोल दोगे क्या, चिंटू बोलना सीख लिया मुझसे, क्योंकि चेतना जो अभिषेक को चिंटू बोलती थी, और बाद में जब अभिषेक चला गया उड़ारिया के सेट से तो चिंटू जो है बोलने लग गई ईशा समर्थ को, तो उसी को रेफर कर रही है चेतना। चिंटू बोलना सीख लिया मुझसे, सच बोलना भी सीख लेती मेरे से, दम है तो अभी के अलावा गेम खेलकर दिखाओ, जब दिखना होता है उस पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो, तुम कुछ भी बोलोगी, जो भी बातें हो रही हैं वो झूठ हैं, आई सपोर्ट अभिषेक। तो ये बात कही है और कहा है कि तुम्हें जब दिखना होता है तब तुम जो है अभिषेक की बातें करना शुरू कर देती हो, अभिषेक के नाम पर फुटेज लेना शुरू कर देती हो, कब तक करोगे, अगर वाकई में दम है तो गेम खेल कर दिखाना, अभिषेक का नाम लिए बिना कुछ करके दिखा। तो ये चैलेंज किया है चेतना ने ईशा को, तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।